तो चलिए बेटा, हमने पिछले क्लास में कूलम्स लॉ और उसके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखी थी विद ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो आज बेटा, आज छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम है, जो वो छोटा सा टॉपिक है, दैट इज बेटा द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपर क्या ठीक है जनाब? इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मनान क्या है? एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि हमें फिर समझ आ जाए है क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमने वेक्टर लॉ, हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा है ना, तो आई होप ये गाइस पढ़ते थे वाले साल। फॉर एग्जाम्पल गुगुर, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड आई हैव अ चार्ज, चार्ज नंबर वन, ठीक है, एंड आई हैव गॉट सम चार्जेस इन इट्स विसिनिटी, से फॉर एग्जाम्पल चार्ज नंबर टू, चार्ज नंबर थ्री, ठीक डायग्राम निकाला। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इन सब चार्जेस का तो कोई पोजिशन वेक्टर होगा, फर्ज करते हैं इसका पोजिशन वेक्टर बेटा आर वन है, इसका बेटा आर टू है, और फर्ज करते हैं इसका क्या है, आर थ्री। तो बेटा आप देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मसलन ये तीनों चार्जेस का नेचर सेम है, क्या है, आपको याद होना चाहिए जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाई थी, मैंने अपने साथ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने में, कूलम्स इंट्रैक्शन इज नॉट अल्टर्ड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अनदर चार्ज, याद है कि नहीं? यानी कि जो Q1 और Q2 के बीच है वो इन्हीं के बीच है, वो इसको नहीं कहते, ये दोस्ती को जानते हैं कि वैल्यू की पर्च कराएं। सॉरी साइड की बैठा हूं, तुझे नहीं बता, ये पूछा मैं देखना चाहता हूं कि जो Q1 है इट इज ऑब्वियसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Q2 एज वेल एज इधर पढ़ चुके, Q3 इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Q1 एंड Q2 जो अंडर Q1 है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं रैंडमली गोरा Q1 ना पूछा, वो पूछा आज पर कूदा नेट फोर्स, आज पर कूदा तेल कैश में करो, तेल कैश बना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ना, दैट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट इफेक्ट और द नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, it is simply given by the vector summation of the individual forces of the other charges on that charge, clear cha likhaunga pehle samjho, principle of superposition chuna gobra tarana ban q2 to q1 kya karna ban mein samjhe sir repulsion tel q2 kya hona q1 us near to tha force on one due to aur yahi to aayega q3 kya hona q1 us shabash ha dabaj pe near ya pore इट इज नॉट दैट, वो इसको नहीं बोल रहा था फौज, मगर चूंकि अब मैं असर किस पे देखना चाहता हूँ, क्यूमान पे, तो मैं इसीलिए इसी के फोर्स इवैल्यूएट कर रहा हूँ, ठीक। तो दिस ग्रीन विल बी बेटा फोर्स ऑन वन ड्यू टू असर गिनना, तो हम ये देख रहे हैं बेटा अगर मुझे नेट फोर्स निकालना हो किस पे, ऑन चार्ज नंबर वन, सुपर पोजिशन छुआना इसी बराबर एफ वन टू वेक्टर फॉर्म प्लस एफ वन थ्री, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू उनका वेक्टर अलजेब्रा करना है, और आपको पता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड होना था, डायरेक्शन पता होना चाहिए, है ना, यानी कि रिजल्टेंट आएगा ना कहीं यहां से बेटा, यहां से ये देखो आप जो नेट रिजल्ट, एक वेक्टर यहां से है, एक वेक्टर तो क्यू वन पे असर कुछ यहां से सुना, ये नेट ऐसा असर काटने खाचन जिमा आसान त्रे हेकर ओर हेकर वो वन कर बहुत इवेल्युएट, बहु कर जनरल एक्सप्रेशन तुम्हें निश ब्रोट के खड़ा, मगर गोड़ वो इसी में इंडिविजुअल फोर्सेस छ क्या चार्ज थी दबस बनी f12 f12 वेक्टर फॉर्म में बेटा कैसा लिखा जाएगा, गामा हां q1 हां q2 डिवाइड बाय r, ना गोड़ वो गोड़ वो ये वाला फोर्स है ना, तो मैं ये कहूं इस पर पहुंचने के लिए वही कांसेप्ट, पहले r2 फिर r1 फिर r21 हां r तो लिखा विद r1 r21 स्क्वायर लिखा, यूनिट वेक्टर क्या लिखो, यूनिट वेक्टर आर टू वन, यही तो है कि नहीं, तो इसको मैं बेटा थोड़ा आसान कर रहा हूं, गामा क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई देखो ना आर टू वन क्यू, और वह इस पर लिखी तो है नीचे आर टू वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यू लिख सकता हूं, और यहां पर बेटा आर टू वन वेक्टर, कोई मसला नहीं, विच इंप्लाइज F1 2 काफी निर्भर आप बोलते गामा
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय हाँ R21 ये कैसे बराबर पढ़ा है हमने R21 इन टर्म्स ऑफ 1 एंड 2 कैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना कैसे लिखेगा हाँ पढ़ा है तूने क्या हो गया R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1 है ना तो R21 माइनस R2 कब ये था R1 माइनस R2 है कब लिखे इसके बदले और नीचे क्या लिखूंगा जरा देख ये लिखूं R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब ठीक सा गोबरा व्हाट इज F13 सिमिलरली वेट द वन गामा हां Q1 Q3 डिवाइड बाय R1 माइनस R3 है ना का होल क्यूब यही तो आएगा और यहां पर भी R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर ये कितना अब इन्हीं का समेशन तो ये है जब तू इनको ऐड करेगा इन दो को ऐड करेगा तरफ से क्या लिखा एफ नेट हाँ एफ नेट बता क्या लिखेगा जरा बता इन दो का एडिशन है ना कॉमन क्या है वहां पर आती गामा बे गामा ही होता है ना Q1 था वो थी बोले अब है हर किसी को देख क्या है पहला है Q1 Q2 R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 छोड़ा Q1 Q3 हर किसी का समझ आ रहा है तो करीब करीब ये हो रहा है देख क्या हो रहा है समेशन हो रहा है QI जिस पर आप देखना चाहते हो और QJ जिसका देखना चाहते हो डिवाइडेड बाय R I माइनस R J का क्यूब है ना इनटू R I माइनस R J मेरी बात समझ आ रही है प्लस विच दिस इज द फोर्थ नेट फोर्स ऑन आईएथ चार्ज किस पे आई एक्स वन था टू और थ्री का देखना था जरा देख आई और जे का क्या वैल्यू आएगा आई एंड जे वैल्यू फ्रॉम वन नहीं सॉरी आई रन फ्रॉम वन आई इज ओनली वन अच्छा मगर जे रन फ्रॉम टू टू जे रन अप टू एन कुछ इस वाली सिचुएशन में समझ क्यू आई क्यू वन क्यू जे टू से स्टार्ट होगा ना गो ये बन एक बीच बनी गामा क्यू वन क्यू टू बनना आर वन माइनस आर क्यू कि बनना आर वन वेक्टर माइनस आर टू पाँच उसी ये समेशन समेशन मतलब इसी तो दही हमने उसको कहने क्यों आई तो है आई शुरू माने मगर जे क्या कहते हैं थ्री वो दूसरा आई मतलब थ्री इधर पे कैसा समेशन सो इन शॉर्ट बेटा दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन वेक्टर फॉर्म ठीक है आप डेफिनेशन लिखो प्लीज प्लीज डेफिनेशन लिखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन According to the principle of superposition, the net force acting on a given charge, due to a number of other charges, यहां पर दो ही मैंने दिखाए ठीक है डायग्राम के थोड़ा सा त्रिभुज हो जैसे ड्यू टू द नंबर ऑफ इज चार्जेस इज द वेक्टर सम इज द वेक्टर सम of the individual forces is the vector sum of the individual forces acting on the charge due to all the other charges. Example lekhte hain ye For example, we have a charge Q1. It is under the influence of Q2 and Q3. The net force जो होगा, so इसकी ये. पाठ को रहे सुब, ये फिर generalized form. ठीक है कि नहीं? एक question करते हैं तो.
बढ़ते हैं हटाओ नहीं तला कुछ जिगर में या बोलेगा गोबरा स्क्वायर शुता कुछ स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज आप मुझे कह सकते हो जो मुझे नहीं पता है आपको सब पता होती है तो आप बताओ फिर मैं आपका देखना एंगल्स आर कितना 90 अच्छा और साइड्स अच्छा पैरेलल भी होते हैं बेहक क्या होंगे बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं और तो ये सब चीजें पता है अगर अब इसके बाद किसी ने बोला सवाल करना नहीं आया गोली से उड़ाऊंगा चार चार्जेस है प्लस क्यू और यहां पर बेटा प्लस टू देयर फोर चार्ज हैव बीन अरेंज्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड से फॉर एग्जांपल ए ऑफ साइड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गेटिंग अ फिफ्थ चार्ज कैपिटल क्यू एट द सेंटर At the center. Can anyone tell me what will be the net force on this capital Q? Vectors of all the force. Answer, bata. Answer. Kya? Vectors of all. No, answer. F net is equal to. करियो जल्दी करियोदी पूरा पहला दिन बड़ा मुश्किल होता है ना ऑनलाइन अच्छा वन टू थ्री फोर रखे अपनी मर्जी तरीका कुछ भी हो आंसर इन टर्म्स ऑफ क्या आ सकता है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और ए क्योंकि वो मैंने दिया बाकी जो तू ला रहा है उसको डिलीट भी करना किसी तरीके से कर सबा शाबाश मनिया कायम शाबाश शाबाश गोबर म्यून शाबाश हाफिला पता क्यूनेट निकालना एफ नेट निकालना बता बता बुशरा हाँ बहुत टाइम लगेगा मोनिया सुने शशि कसम सारे बता मैं बोलूं बस सिर्फ मतलब हाँ हाँ बता फिलोसफी मन अनपढ़ कसम यह चार्ज क्या वन डेढ़ दफा वन मगर यह वन मे नीश मको ना یہ بنا یہ مسوال یہ اور یہ بنا کھیل ختم زیرو ات کیا سر ویکٹر سے اتے نہیں میں پہلے زیرو بولا میں نے بھی سنا نہیں ہوگا کچھ کیا ڈائیلاگ یا مشکل سوال گو کیا تو والا من وانی وچ وان کیا کر پلس کیو اور یہ بھی بیٹا پلس کیو ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہے کیا ہے گھر سے اب کرنا दाना सेंट्रॉइड से पता कैच हुआ सर खुदा लक्षण ये है आपका सेंट्रॉइड यहां पर बेटा प्लस कैपिटल क्यू तो शिका समझे मुझे इसको दाज जवाब योजना ये तुम्हारी भावनाएं खुल जाती है वो भी थी ये क्यों ने बोला है कम से कम ये जीरो नहीं होगा दिया
हाँ ऊपर की तरफ। चल देखते हैं देखते हैं, कोई मुझे बता सकता है यार ये डिस्टेंस कितनी होती है? ए भाई रूट थ्री। एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप मुझे क्या कह सकते हो? डायमेंशन इज योर आंसर इज रॉन्ग। ए शुड बी अबव रूट, टू शुड बी बिलो। लैंग्वेज है ना अच्छा। ये माना एमएस नियर है चूसा माना। ये क्या माना एमएस चूसा माना। तो इन दो का रिजल्ट ये है ना, मगर ये इसको बोल रहे हैं दर्जा अगेन जीरो। तो आप मत हो श्योर आप, अगर तुम श्योरिटी से बनी सर आप कैसे बोल रहे हो ये? देख कर सीधी सी बात है, आपको बोलेंगे श्योरली आप क्या बोल रहे हैं, आपको बोलेंगे मगर आप चीजा को गलत। हाँ ठीक है ठीक है सही, टू फोर्सेस। हाँ सही है। तो मेहरबानी एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इज बेटा तीन फोर्स, यहाँ देखो ना यहाँ पर तीन फोर्सेस है, एक फोर्स एफ वन, ब्याक फोर्स एफ टू, ब्याक फोर्स एफ थ्री। अच्छा ठीक, यहाँ देखो यहाँ देखो, द थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू लाइक दिस। आप योकुन ऑक्सिस बना योकुन, ब्याक सुना योकुन, और उनके बीच में एंगल कितना है 120। तो आंसर नलिटी होता है, लैमीज थ्योरम। ठीक है मकसद मेरे कहने का मतलब, आप ये मैंने आसान सवाल दिए थे, अब आप घर जाओ और ये वाला क्वेश्चन करो और मुझे बख्शो। एक चार्ज है बेटा प्लस क्यू, एक और चार्ज है बेटा प्लस क्यू, ये कहां पे है? ये स्क्वायर के ही इस पे है, और एक और चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू। ठीक, आपसे सवाल किया जा रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ प्लस क्यू। आएगा ना आएगा ना स्क्वायर या जो साइड ये है अब तो आएगा, तो कर लेना। ठीक है आई स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।